उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से ईद का पर्व मनाया गया, जहां पर शहर और तहसीलों में इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करके घरों में मनाया गया ईद का त्यौहार। शांतिपूर्ण तरीके से सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को घरों पर ही रहकर ईद की मुबारकबाद दी और गले मिलजुल करके और साथ ही मस्जिदों में औपचारिकता के तौर पर कुछ वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में नमाज भी अदा की गई और फिर संपूर्ण जिले के अंदर ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताइए, ईद का त्यौहार आज किस प्रकार से भाईचारे के साथ मनाया गया, किस प्रकार से मस्जिदों में नमाज अदा की गई और किस प्रकार से क्या रहा? अच्छा मनाया त्यौहार ईद का त्यौहार, तो भाईचारे से ही हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से मनाया जाता है और सारे लोगों ने, पूरे गांव ने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी था, कुछ लोगों ने घर पे भी पढ़ी, मस्जिद में कम लोगों ने पढ़ी, मुश्किल से 10-20 लोग होंगे मस्जिद में, बाकी लोगों ने अपने अपने घर ही पढ़ी। अच्छा, कोरोना का जो समय चल रहा है प्रोटोकॉल के हिसाब से घर ईद की नमाज पढ़ी लोगों ने, सभी लोगों ने घरों पर, सभी ने और अच्छे से त्यौहार मनाया, खुशी से त्यौहार मनाया, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो साहब बताइए किस प्रकार से ईद दिवाली दशहरे यहाँ पर मनाए जाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को क्या रहता है? साहब हमारा खंडवासुरा पंचायत के दोनों गांव हैं, लिखुदा खंडवासुरा, और हम लोग सभी हर त्यौहार, चाहे कोई भी हिंदू त्यौहार हो या आपका यहाँ त्यौहार, हर ईद पे हम यहाँ आते हैं, सबसे मिलते हैं, आप लोग हमारे त्यौहार पर दीपावली पर सब लोग पधारते हैं, हमारा मिलनसार आज से पीढ़ियों से ही, सदियों से ही, मान लो हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के ज़माने से लगे आज तक हमारा वही स्नेह, वही प्रेम, खंडवा लिखोदा एक भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, हमेशा रहते हुए आए, आज भी ऐसे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।